साधना 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 मामा जी, इतनी देर क्यों लग रही है? साधना ठीक तो होगी ना? मौजी, अब साधना कैसी है? मामी जी, साधना कैसी है? उसका जख्म गहरा तो नहीं है ना? नहीं बेटा, वो ठीक है, अभी सो रही है। मैंने उसके कपड़े बदल दिए हैं। वीनू भैया, घर में फर्स्ट एड बॉक्स होगा? मैं अभी लेकर आता हूं। साल सिर्फ 5 दिन बचे। मैंने अपने आप से वादा किया था कि 7 दिनों में तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा, तुम्हें अपनी पत्नी होने का पूरा हक दूंगा। अलग बाबू, ये कपड़े बदल लीजिए आप, और थोड़ा आप भी आराम कर लीजिए। हम यहां हैं ना? नहीं मामा जी, मैं साधना के पास ही रुकूंगा। ठीक है आलेख बाबू, ये कपड़े जरूर बदल लीजिएगा, नहीं तो ठंड पकड़ लेगी। और ये गरम दूध भी पी लीजिएगा। दिल जानिया मेरे, दिल जानिया, दिल जानिया मेरे, दिल जानिया। अरे बाप रे, देर हो गई, अलीचे के लिए चाय बना दो। आलिक जी, आप रात भर सोए नहीं, आप आराम कर लीजिए, ये मैं कर लूंगी। नहीं सर, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं। लो सर, इसे पी लो, ध्यान से पीना, गरम है। सच
में आलिक जी, आपने तो बहुत ही टेस्टी काढ़ा बनाया है। रियली? मुझे तो अच्छे से आता ही नहीं बनाना। पियो ना साथ, जल्दी खत्म करो इसे। इन्हें कुछ देर अकेला छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या वसुंधरा जी इन्हें एक साथ रहने देंगी? मालती, तुझे ये खबर राजवंश हाउस पहुंचानी होगी, फिर देखते हैं। हाँ बताइए, कुछ तो असर हुआ होगा उस पर? नहीं मैडम, वो लड़का तो हार ही नहीं मान रहे। आज तो उसने अकेले ही 3-3 आदमियों का काम पूरा किया। मैं बता रहा हूँ आपको, उस लड़के को तोड़ना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है तो हालात को और मुश्किल कीजिए ताकि वो मजबूर हो जाए। लेकिन मैडम, देखिए मिस्टर अग्रवाल, वहाँ बैठकर लेकिन लेकिन करके हमें बुरी खबरें मत दीजिए। आप कोई ऐसा मजबूत कदम उठाइए कि हमारा काम हो जाए, बस। आप समझ रहे हैं ना? जी मैडम। काम से नवीन, हम तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बड़ी माँ क्या चाहती है। आलिक का इस घर में आना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना होगा। सॉरी आलिक, तुम हमें मजबूर कर रहे हो। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि इस तरह तकलीफ देते हुए हम पर क्या गुजर रही है, लेकिन क्या करें, हमारे लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है तुमने। और अब तो सिर्फ 5 दिन बचे हैं हमारे पास। मामा, मुझे माँ के पास जाना है। ए, चुप, चुप। ओ चाचा, दरवाजा खोलो। ए, नहीं खोलूंगा दरवाजा और नहीं छोड़ूंगा बच्चे को। पहले अपने मकान की मरम्मत पर कराओ। मेरा घर तो आपके घर से बहुत दूर है। अरे चुप कर बद्रीनाथ, तू क्या जाने की तकलीफ क्या होती है? आए? दिन रात ठोक 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 हथौड़े की आवाज, ऊपर से गुर्र 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 करके ड्रिल मशीन मेरे दिमाग में घुसती है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। ए चाचा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ते हैं। चाचा मेरे बच्चे को छोड़ दो। चाचा चाचा ले अपने बच्चे को, चल। तुम लोग यहाँ पे क्या भीड़ लगाए हो? आए, कोई तमाशा हो रहा है? चलो भागो यहाँ से अपने अपने घर। ओ बद्री, ये ध्यान रहे, दोबारा शोर नहीं होना चाहिए अब। अच्छा अच्छा, हाँ। तुम नहीं गए अभी तक यहाँ पे? आए, क्या कर रहे हो खड़े होकर? चलो जाओ यहाँ से। देखिए, मुझे शेखर जी ने भेजा है। आपका कोई घर है ना जो आप रेंट पे देना चाहते हैं? कितने लोग रहोगे? जी अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ। जाओ यहाँ से। मैं ये जवान छोरों को, कुंवारों को अपना घर किराए पे नहीं देता हूँ। मकान मालिक के जी का जंजाल होते हैं ये, खिटपिट करते हैं, किराए भी नहीं देते और ऊपर से गैर कानूनी काम करेंगे, सो अलग। देखिए, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी कुछ दिन बाद आएगी। बाद में आएगी? बाद में क्यों आएगी, अभी क्यों नहीं? हाँ, तुमने झगड़ा किया उससे? क्या उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है? आजकल के छोरे भी शादी के बंधन की इज्जत करना नहीं जानते। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो दो लोग रहोगे ना? देखो, मुझे पैसे की चाहिए और ध्यान रहे, 2 से ज्यादा लोग नहीं रहने चाहिए। ठीक है, देखिए आज मुझे मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एडवांस दे दूंगा। आप प्लीज मुझे घर दिखाएंगे? ठीक है, आओ मेरे पीछे। आ देखा, मैं खुश खुश देखा कैसा हवादार कमरा है। अरे ऐसी जगह मिलती कहाँ है आजकल किसी को। हुँ?
हाँ एक बात याद रखना, कल को तुम्हारी बीवी को ये कमरा पसंद नहीं आया तो फिर मैं ये पेशगी तुम्हें वापस नहीं करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ मेरी साधना का हाथ लगते ही ये जगह स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, आज रात को ही मैं आपको एडवांस दे दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। मामी जी मैं आपकी मदद कर देती। अरे नहीं बेटा तू आराम कर। मामा जी मैं देखती। हेलो साधना, तुमने दवाई तो ली है? जी आलिक जी। अपना ख्याल रखना। जी। उठा ले बेटा तेरा ही होगा। साधना तुम वक्त पे खाना तो खा रही हो ना? जी आलिक जी मैं वक्त पर खाना खा लेती हूँ। मैं रखती हूँ। साधना वो तुम्हें ये बताना तो रहे क्या कि मैं आज शाम को तुमसे मिलने आ रहा हूँ। चलो सरप्राइज ही सही। देखा कौशल्या जी, अब तक हम अपनी बच्ची का ख्याल रखते आए हैं लेकिन अब हमारे दामाद बाबू उसका ख्याल रख रहे हैं। बार बार फोन कर रहे हैं, तूने खाना खाया नहीं खाया, तूने दवाई ली या नहीं ली। क्या करें इस लड़के का। इसने कोई गलती तो नहीं की? ये काम तो ठीक से कर रहा है ना? जी सर बहुत मेहनत से बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है। हेलो। हाँ अग्रवाल साहब, मैं यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कंपनीज से बोल रहा हूँ। आपका एक वेल विशर हूँ और आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जी, अब आगे कहिए। अब क्या कहें अग्रवाल साहब, मेरे साथ कुछ इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। इरादा बदल दिया? लेकिन क्यों अग्रवाल साहब? अब बिजनेस सर्कल्स में ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं। जब इन्वेस्टर्स को यह पता चला कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो मेंटल केस है तो भला वो पैसा क्यों लगाएंगे आपकी कंपनी में? ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है अग्रवाल साहब, आप नहीं जानते आपकी साइट पे जो वर्कर है जिसका नाम आलेख है वो एक मेंटल केस है, पागल है वो। क्या पागल है? आप ये सब आलेख के बारे में कैसे जानते हैं? अग्रवाल साहब मैं तो ये भी जानता हूं कि उस लड़के का कोई रिश्ता वसुंधरा राजवंश से भी है। Thank you so much. Thank you. Ragni? Haan Ragni, bol. Ranveer,
कब से आपको फोन कर रही हूँ, आपका फोन बंद क्यों था? वो मैं एक मीटिंग में था इसलिए। रणवीर हमें जिया जी से मिलने जाना होगा अभी इसी वक्त। क्या बात है रणवीर, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। ठीक है मैं ऑफिस से निकलता हूँ और मैं तुम्हें पिक करता हूँ। ओके सुनिए, ये बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? कोई काम था? हाँ वो आज से मुझे यहाँ असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट ज्वाइन करनी है। असिस्टेंट सुपरवाइजर? पर यहाँ का असिस्टेंट सुपरवाइजर तो मैं। नौकरी से निकाल दिया है और तुम्हारी जगह इस लड़के को नौकरी पर रख लिया है। सर लेकिन मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैं तो अपना हर काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ सर। जैसा आपने कहा, जो आपने कहा मैंने वो किया, फिर भी आप ये सब। अच्छा तो अब मुझे तुम्हें सफाई देनी होगी कि मैंने तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला। शेखर आज से इसे नौकरी से हटा दो, अभी और इसी वक्त। इसकी शक्ल मुझे दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। इसकी जो मजदूरी बनती है इसे दे दो, अभी और इसी वक्त इसे यहां से बाहर निकाल दो। मालिक, आलिक, आलिक प्लीज तुम यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और इंसल्ट हो। शेखर एक बात का खास ख्याल रखना, जो कमरा हमने इसे दिया था ये आसरा लेने वहां ना पहुंच जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे क्योंकि दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास और तुम्हारे जैसे पागलों को पालने का शौक नहीं है हमें, इसलिए हम पूरा इंतजाम करके आए हैं। जी साहब, जी साहब। इसे खींच कर ले जाओ और बाहर उठा के फेंक दो। चलो आप ऐसा नहीं कर सकते सर। चलो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? चलो मुझे तुम काम से। रागनी बताओ सुशी की बात क्या है? रणवीर पहले जिया जी से मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। प्लीज जल्दी। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और मिस्टर आलिक कहाँ है? चलो छोड़ो, चलो छोड़ो मुझे। मेरे पैसे कहाँ गए? शायद उधर गिर गए होंगे। क्या आपने उन्हें निकाल दिया? मैं किसी को काम से निकालूं या रखूं मेरी मर्जी। Who are you? देखिए मिस्टर, एम्प्लॉयमेंट के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और साथ में अपने लॉयर को भी। वजह जानना चाहते हैं तो सुनिए, आलेख को काम से हमने इसलिए निकाला क्योंकि वो पागल है। पागल? तुमने उन्हें पागल कहा? छोड़ो, तो तुम्हें जेल में भिजवा देता तब तक चैन नहीं लूंगा। मेरा नाम भी रणवीर नहीं, क्या क्या मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। तुम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, डिक्टेटर नहीं हो। अरे जाओ जिससे कंप्लेन करना है करो, लेकिन उनको सबसे पहले वसुंधरा राजवंश के पास भेजो क्योंकि जो कुछ भी उस पागल के साथ हो रहा है उनके कहने पर हो रहा है। We'll be right back.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।